तो गाइस हम आए जादवपुर। वेलकम टू सीजी ब्लॉग्स, भूल गई, वेलकम टू सीजी ब्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम आए हैं जादवपुर, अब हम यहाँ पे करेंगे शॉपिंग, ढेर सारी शॉपिंग। कल तो मार्केट में हमको समझ में नहीं आया। अभी हम आए हैं मम्मी के मासी के घर, मतलब मेरे सास के मासी सास के दीदी के घर। अभी होगा भरत मिलाप। ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम दिखते हैं। पहली बार जब मैंने देखा था मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मेरी सास कौन है, मासी सास कौन है। ये सबसे बड़े मासी और मिश्रो है, इनके अभी दिसंबर 7 को 50 साल कंप्लीट हो जाने वाले शादी के, विच इज जस्ट अमेजिंग। इनकी काफी एज है, 85 है। ये तो कत छोट छिल आगे छिल टिन्नी बड़े पुन्नी है, टिन्नी पुन्नी टिन्नी पुन्नी। ये मेरी सबसे बड़ी जेठानी है, उनके दो बच्चे हैं, फिर मेरी छोटी जेठानी, फिर मेरी सास, मेरी बेटी, मेरी बड़ी सास यानी कि मासी सास और उनके हस्बैंड है मेशो। इनके भी 50 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अभी हम आए मेरे ननंद के घर, मेरी इकलौती ननंद के घर। स्वधा पहले अपने ताऊजी के बिल्कुल भी पास नहीं जाती थी और अभी तो पकड़ पकड़ के घुमा रही है पूरे कोलकाता में। गोदी चढ़ जाती तो उतरती नहीं है गोदी से, उनको भी बड़ा मजा आ रहा है लेके उनको उसको घुमाने में। ये है मेरी दूसरी मासी सास, तो वो स्वधा के साथ इतना खेल रही, उनको इतना अच्छा लग रहा है। स्वधा कर रही है पेट पूजा, वो अभी एकदम हाई फाई में है। अभी तो उसको हर जगह से ट्रीटमेंट मिल रही है, मासी सास सास मासी बुआ हर कोई सब उसके खातिरदारी में लगा हुआ है। अब का सबसे बेस्ट खाना बंगाली खाना, योग तो लगे किच्छु खेते पारे ना शरीर टाके। আমি মাত্র খেলাম ভাত খেলাম। হ্যাঁ সেই তুমি কেড়ে কেন আমার বাড়িতে এসে বলতে হবে নাকি? তুমি নিজে খেতে পারো, আমি অন্যদিন ইচ্ছা করে। दो औरतें मिले नहीं और गपशप शुरू हो जाती है, और यहाँ पे तो पांच पांच औरतें हैं। ये देखो सब बहनें बैठ गई अब गपशप करने, ये तो लंबा चलेगा। इनके गपशप का तो ऐसा है कि आज शुरू हो तो शायद चार दिन बाद ख़त्म हो, लेकिन चार दिन बाद भी मेरी सास को जाने की इच्छा नहीं होती, वो सोचती है और भी कुछ दिन और रह जाऊँ। ये मेरी सास की बहन, सब एक जैसे दिखते हैं। ये भी हाय बाबा एकोन ढूके जेटा मामी खांटे अभी मैं इधर। ये देखो ये पतली सी गली और है मेरी स्वधा और हम चले शॉपिंग। मेरी इकलौती ननंद, हेलो हाय। स्वधा को बहुत मजे, वो सभी की गोदी में जा रही है। बुआ हाँ इकलौती बुआ, सब सब चाचा जी उसके बड़े पड़े। हम जा रहे हैं अभी शॉपिंग के लिए मेन मार्केट, जादवपुर मेन मार्केट। ये सारी गलियां गलियां अंदर अंदर से, मेरे को आराम है, स्वधा को सब गोदी उठा रहे। हम लोग एक दिन के मजे में है, सच में कोलकाता आया तो बहुत मजा आता है, बस हम आ नहीं पाते। पहले जूस तो पी लाओ,
फ्री में शॉपिंग में जाओगे, आप लोग धूप में घुमा घुमा करोगे, उससे पहले मैं अपना दिमाग ठंडा तो कर लूं मम्मी। ये है जादवपुर का मेन मार्केट है, यहाँ पे लाइन से सारी दुकानें, यहाँ पे पहले साड़ियों की शॉप्स है बहुत सारे, उसके बाद है ज्वेलरी की शॉप्स और सारे सारे अलग अच्छे अच्छे शॉप्स है। हम जादवपुर मेन मार्केट पहुँच चुके हैं, यहाँ पे कर रहे हैं साड़ियों की शॉपिंग। यहाँ पे बहुत सारी साड़ियाँ हैं और बहुत अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं, सिलेक्ट करने में कम से कम 1-1.5 घंटा चला जाए। मेरी जेठानी को नई साड़ी खरीदनी है, वैसे इस मामले में मैं अपने हस्बैंड को बोल ही नहीं सकती कि आप मुझे साड़ी खरीदवा दो। जब भी मैं उन्हें बोलती हूँ पहले वो कहते हैं कि जैसे कि शादी में जो इतनी सारी साड़ियाँ मिली है पहले वो तो पहन लो। वैसे ये साड़ियाँ हैं बहुत प्यारी, मन तो वाला एक दो खरीद ही लो। वैसे ये साड़ी की शॉपिंग जल्दी खत्म होने वाली है नहीं, सुबह तो सो गई मम्मिया साड़ी खरीद रही है, मैं छक्की मार लेती हूँ क्योंकि ये औरतों का काम तो कभी खत्म होता ही नहीं है। मेरी जेठानी भी चली परेशान है, कौन सा कलर ले, कलर मिल जाता तो कौन सा डिजाइन ले, डिजाइन मिल जाता तो फिर कौन से रेंज में ले, अब ये लंबा चलेगा बॉस। फाइनली मिल गई साड़ी, अब हमारी सी लेदर। सी लेदर से मैंने लिया अपने हस्बैंड के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट, एक बेल्ट तो लिया है लेकिन एक और सरप्राइज गिफ्ट भी लिया है जो आई होप उनको पसंद आएगी, वो बहुत ज़्यादा चूजी है। अब हम आए शूज़ की शॉप में शूज़ खरीदने, कोलकाता आया और कुछ खा नहीं खाया तो आप लोगों ने कुछ नहीं खाया। अब हम आए थे ज्वेलरी शॉप, तो ज्वेलरी शॉपिंग हमको करनी थी, लेट्स सी कुछ अच्छा मिलता है या नहीं, और जो भी खरीदूंगी उसका मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाने वाली, इस वीडियो दिखाऊंगी। आज के लिए तो बहुत शॉपिंग हो गई, सब बहुत थक चुके हैं और भी बहुत सारी शॉपिंग की। आप रे ट्रेन में तो इतनी भीड़ थी, एक पैर रखने की जगह नहीं, सब थक के चूर हो गई है, सो गई बेचारे। हमारे कमरे की हालत तो देखो, ऐसे ही हो जाता है बच्चे के साथ, आप कहीं पे भी जाओ ना हर जगह मैस हो जाता है, हर जगह एक जैसा है। इतनी भीड़ आ रही है, आंखें भी नहीं खुल रही है। फाइनली रूम में आ गए, सोदा ने आज शाम से कुछ नहीं खाया उससे ज़्यादा, उसकी तबीयत भी सही नहीं है, उसको थोड़ा स्टमक इन्फेक्शन हो गया था तो उससे ज़्यादा कुछ खाया नहीं है। अभी कल मेन प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है शादी का, तो कल से और भी ज़्यादा व्लॉग्स आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड।